भीखाबाई माही नहर का पानी पहुंचा सागवाड़ा, आरा में ग्रामीणों ने किया स्वागत। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत आरा गांव में होता हुआ भीखाबाई माही नहर का पानी लंबे इंतजार के बाद आज सागवाड़ा पहुंच गया। आरा गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए माही नहर के पानी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सागवाड़ा विधानसभा विधायक शंकरलाल डेचा मौके पर पहुंचे और उन्होंने नारियल चढ़ाकर पानी का स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों ने विधायक शंकरलाल डेचा को फूलमाला पहनाकर पहली बार सागवाड़ा क्षेत्र में माही नहर के पानी को पहुंचाने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत के बाद भीखाबाई माही नहर परियोजना अधिकारियों की मेहनत आज रंग लाई ही है और पानी सागवाड़ा पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आगे इस पानी को लोडेश्वर बांध और कुआं तक पहुंचाने में पूरी मेहनत से कार्य करना है। वहीं उन्होंने कहा कि आगे इस पानी को लोडेश्वर बांध और कुआं तक पहुंचाने में पूरी मेहनत से कार्य करना है। वहीं उन्होंने कहा कि इस कैनाल से आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी गांवों में छोटी छोटी कैनालों के माध्यम से भी पानी पहुँचाने का कार्य किया जाएगा, जिससे किसानों को अधिक से अधिक फायदा मिले। इस दौरान आरा गांव के सरपंच सहित ताजिंग पाटीदार, हरीश जवाहर भाटिया, चंदन सिंह, प्रदीप गामोट, कल्याण सिंह बूचिया सहित कई ग्रामीण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज विधानसभा सागवाड़ा में आरा गांव में माई कैनाल, जो भीखाबाई कैनाल के नाम से जानी जाती है, ये कैनाल बनी करीब 18-20 साल हो गए। बनते बनते टुकड़ों में 6, लास्ट 84 सिमलवाड़ा तक बन के तैयार हो गई भी, मगर कभी भी किसी भी नेता ने इस कैनाल में पानी लाने का नहीं सोचा। सरकारें बहुत आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, बीजेपी भी आई, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और हमारे यहाँ से विधायक शंकर जी डेचा को सागवाड़ा विधानसभा के लोगों ने भारी मत से जिताकर जयपुर में भेजा और विधानसभा में ये क्वेश्चन इन्होंने, सबसे पहला मुद्दा किसानों का यही मुद्दा था कि हमारे पानी चाहिए सिंचाई के लिए पानी। जैसे डूंगरपुर जिला पूरा सूखा पड़ा हुआ है, बांसवाड़ा जिले में एकदम लहर है पानी की, अभी भी पानी वहां बहुत सारा चल रहा है। तो पहली मांग ये थी, तो हमारे विधायक महोदय ने विधानसभा में ये क्वेश्चन रख के पहले ये काम करवाया और यहाँ के हमारे जो अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट के, इन्होंने भी बहुत बढ़िया सहयोग किया और इस कैनाल को सफाई करवा के पिछले 10-12 दिन से जो पानी वहां से छोड़ा गया है, चलते चलते आज आरा में पहुंचा है और मेरा तो मानना है कि कल तक ये सागवाड़ा में पहुंच जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रशासन और इन अधिकारियों को और हमारे विधायक जी को और हमारी सरकार को कि आपके माध्यम से ये किसानों के हित में जो यह काम का बीड़ा आपने उठाया, इसके लिए हम सभी किसान वर्ग, सर्व समाज के लोग आपके धन्यवाद प्रज्ञापित करते हैं। आने वाले समय में जो मुख्य नहर ये बनी है, अभी ये लोकसभा के चुनाव है 26 अप्रैल को, और उस चुनाव में भी हमारे भारत में सरकार हमारे मोदी जी की बनने जा रही है और यहाँ से हमारे माननीय मालवीय जी उम्मीदवार हैं, उनको भी हम भारी मत से जीता के दिल्ली में भेजेंगे ताकि इसकी जो किनारे निकलनी है, जो खेतों तक पानी पहुंचाना है, ये काम हमारे विधायक जी और माननीय मालवीय जी सांसद बनकर ये आने वाले 1 या 2 साल में हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसे हम आशा रखते हैं किसान वर्ग में। और आपको पुनः धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से यह काम जो आपने कराया, हम किसान वर्ग की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज माही कैनाल का पानी, बहुत लंबे समय से पानी छोड़ा है, लगभग महीना भर हो गया, 1 महीने के आसपास में हो गया है, और जगह जगह हमारे अधिकारी, जो विभाग के अधिकारी हैं, वो बिल्कुल तन मन से लगे हुए हैं। आज पानी सागवाड़ा क्रॉस कर गया है, ये हमारे सागवाड़ा विधानसभा की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं हमारी सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, जिन्होंने सबसे पहला काम जो है हमारे माही कैनाल का लिया है। और मेरा भी जीत, मैं जब चुनाव में गया था चुनाव प्रचार में, उस समय हर किसान की मांग थी कि माही कैनाल का पानी सागवाड़ा को मिले और सागवाड़ा में आना चाहिए, और उस समय मैंने भी कहा था अगर आप मुझे जीता करके भेजेंगे तो सबसे पहला काम जो है मैं पानी भीखाबाई माही कैनाल का पानी जो लाने का काम करूंगा। आज ये बड़ी उपलब्धि है, ये सब किसान भाई हैं, काश्तकार हैं
और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे विभाग के अधिकारी यहाँ पर है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, रात दिन इस लाइन पे चलना, सफाई कराना, ने ये सब काम किया है। और हमारे जिले के कलेक्टर साहब हैं, एसडीएम साहब है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। जब भी मैंने फोन किया वो साइट पे गए, अधिकारी भी साइट पे गए और ये पानी सागवाड़ा आज क्रॉस कर गया है। और मेरा जीतने के बाद पहला लक्ष्य था, मैं सारे काम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन माही भिखाबाई का पानी सागवाड़ा तक लाऊंगा और किसान के हर खेत तक पानी जाए, ये मेरा वादा था, मेरा संकल्प था। तो ये पूरा होता नजर आ रहा है, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जो है धन्यवाद हमारे विभाग के जो अधिकारी है इनको मैं देना चाहूंगा, हमारे जिले के जिला कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब है इनको भी देना चाहूंगा, और सागवाड़ा की जनता जनता जो उसका आशीर्वाद था। हर युवा वर्ग भी ये कह रहा था कि आप जीतने के बाद में पहला काम जो है माही कैनाल का पानी लाने का काम करेंगे, तो आज ये काम पूरा हो रहा और सागवाड़ा क्रॉस कर गया। सागवाड़ा के आगे लोडेश्वर में डालने की योजना है, लोडेश्वर में पानी जाने के बाद में आगे की योजना कुआं तक जो है वो आगे की भी कार्रवाई चालू रहेगी और आगे भी पानी जाने वाला है, इतना ही कहता हूँ। और मैं सबको विधानसभा सागवाड़ा के समस्त कार्यकर्ताओं, जैसे यहाँ पर अभी आरा में हम आए हैं, आरा के समस्त कार्यकर्ता है, भाई ताजेंग जी है, हरीश भाई है, सरपंच साहब है, बोगीलाल जी मेरे साथ में, भाई जवाहर जी भाटिया है, चंदन सिंह जी है, भोपाल सिंह जी है, और यहाँ के उपसरपंच साहब हैं, कल्याण सिंह जी है, सारे कार्यकर्ता है यहाँ पर लगे। बहुत उम्मीद है इनको कि पानी अब आ गया है, आगे भी जाएगा। और सब कैनाल की जो बात आ रही है, अभी ये विधानसभा लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद में इसके दौरे निकालेंगे, छोटी कैनाल माइनर कैनाल भी निकलेगी और जहां जहां भी पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी आगे तक हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।